हेलो गाइस, वेलकम टू आरसी मैथ क्लासेस। और आज हम अपनी तीसरी क्लास पढ़ा रहे हैं और आज का टॉपिक जो है वो प्रतिलोम द्वितीय फलन है, जो कि हम चढ़ा रहे थे। उसके मैं एग्जांपल 6 तक करा चुका था, अब उसको एग्जांपल 7 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये एलएचएस है और आरएचएस आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम कॉट इनवर्स को साइन की टर्म में बदलेंगे, फिर वहां से साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो ऑन टेकिंग एलएचएस सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। तो यहां से कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ से ट्राइंगल रूल लगा रहे हैं हम यहाँ पे कि थीटा कितना है आपका, कॉट थीटा क्या है, एक्स है। अच्छा, कॉट क्या होता है आपका, आधार बटे लंब होता है, तो एक्स ही हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस तरह कर्ण कितना हो जाएगा आपका, वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा कितना हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, एक दूसरे बराबर हो जाएंगी। तो कॉट इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप साइन को धर ले आ सकते हो चाहो तो, या फिर यहां पुट कर सकते हो आप। तो अब देख रहे हैं आर एल एच एस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑन टेकिंग एल एच एस कॉस टेन इनवर्स साइन इनवर्स वन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन से साइन हट जाएगा, क्या आएगा, कॉस टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ऊपर वाले टर्म की तरह करेंगे, टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लोगे आप, फाइव मान लोगे। तो टेन फाइव कितना हो जाएगा आपका, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ट्राइंगल रूल लगाओगे यहाँ पे, ये फाइव हो जाएगा, टेन आपका लंब बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट में टू प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से आप देखो कॉस क्या निकालोगे, यहाँ पे आप कॉस निकालोगे, तो कॉस फाइव कितना हो जाएगा आपका, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब ये आपने इक्वेशन मानी थी, ये इक्वेशन मानी थी, यहां से फाइव की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, अभी फाइव की वैल्यू पुट कर दोगे तो कॉस, हाँ इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइव पुट कर देंगे, कॉस टेन इनवर्स यहां से फाइव वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कॉस इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर टू प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से फाइव बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर बराबर हो जाएंगे। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आप पुट कर दोगे टेन की वैल्यू को, तो कॉस से कॉस कट जाएगा और आपका क्या आंसर आएगा डायरेक्ट निकल करके, वन प्लस एक्स स्क्वायर और टू प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, इस क्वेश्चन देख रहे हैं पेज नंबर 38 पर एग्जांपल हमने आता है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ टर्म को। तो टेन इनवर्स ए माइनस वन माइनस टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, टेन इनवर्स
ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब इसमें आप टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला आ सकते हो, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, टेन इनवर्स फॉर्मूला आप जानते हो, एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। और एक साइड में टेन इनवर्स आपका चल ही रहा है, ठीक है, टेन से टेन हट जाएगा, एलसीएम लोगे तो आपका आएगा एलसीएम एक्स माइनस ए प्लस वन, ये टर्म इधर बन जाएगी, तो ए एक्स माइनस एक्स प्लस वन, एलसीएम वाला एलसीएम से कट जाएगा यहां पे, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई आपका लास्ट ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे, तो एक्स माइनस ए प्लस वन ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल में आएगा आपका ए एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे सिंपल सा, अच्छा हाँ मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब और प्लस ए स्क्वायर, अब आएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस एक्स, और वन का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स माइनस ए प्लस वन बराबर में आएगा आपका ए एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, देखिए वन से वन कट जाएगा, ए एक्स कट जाएगा, माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, ठीक है ना। अब जो बच रहा है उसको देखते हैं, बच रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का, इधर माइनस का एक्स स्क्वायर बच रहा है एक तो, और दो टर्म आपकी एक्स वाली है प्लस ए स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स, और आपका लास्ट में बच रहा है माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर और माइनस का ए, और इक्वल बच रहा है आपका जीरो, ये क्वेश्चन आपका बच रहा है यहाँ पे। इसको आप उधर ले जाएंगे तो आपका आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, देखिए इसको उधर ले जाइए सबको, तो एच स्क्वायर माइनस एक्स ए क्यू बराबर जीरो, देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां से ए स्क्वायर वाले को इसके पास ले आए, ए क्यू माइनस स्क्वायर से यहां से जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यू माइनस एक्स प्लस ए, इसमें से देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, इसमें से आप माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो अंदर बचेगा आपका एक्स माइनस ए, और इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस ए बराबर जीरो, सब में से एक्स माइनस ए कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा आपका एक्स प्लस ए माइनस ए स्क्वायर और माइनस वन इक्वल में जीरो। यहां से x का मान आपका एक तो a आ रहा है और एक x का मान आपका ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप मैं x की वैल्यू निकाल लूंगी तो सॉल्व कर, देखिए ये साइन और उसकी टर्म में दे रखा है आपको, आप कॉस की टर्म में कर सकते हैं, कैसे करेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है, तो उस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, पाई अपॉन टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई अपॉन टू माइनस कॉस इनवर्स टू एक्स बराबर पाई बाय थ्री, यहां से
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाय टू, पाई बाय टू पाई बन जाएगा मिल करके, पाई माइनस पाई बाय थ्री हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स बराबर कितना आएगा, टू पाई बाय थ्री। अच्छा कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स टू एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, कॉस इनवर्स ए इंटू बी माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट, और इसको इधर ले आओगे तो कितना है ये, कॉस टू पाई बाय थ्री हो जाएगा, कॉस टू पाई बाय थ्री हो जाएगा। कॉस टू पाई बाय थ्री की वैल्यू आप निकाल सकते हो कितना होता है, माइनस वन होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस पाई बाय टू हो जाएगा यहां पे आकर के, इन अंडर रूट और माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे और अंडर रूट वाले को उधर ले जाएंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू इक्वल में आ जाएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर कर दोगे आप, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो आएगा फोर एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस इनका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर और इक्वल में आएगा इनका, इसका स्क्वायर जाएगा रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कैसे आएगा, ये आएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा फोर एक्स फोर, ठीक है, फोर एक्स फोर से फोर एक्स फोर कट जाएंगे तो कितना आएगा अब ये वन अपॉन फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले एक साइड में बना एक्स स्क्वायर वाले एक साइड में तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर और इसको उधर लाओगे तो थ्री पाई बाय फोर आपका हो जाएगा, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे, ये हो जाएगा फोर इंटू सेवन, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री अपॉन सेवन, नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज और है इसमें कि आप जब माइनस वाली वैल्यू से पुट करके देखोगे तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो एक्स की वैल्यू ऑनली क्या आएगी आपकी वन अपॉइंट टू थ्री अपॉन सेवन आएगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू जब आप लगाओगे इस इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले आप प्रूफ करना है आपको तो एलएचएस ले लेंगे, ऑन टेकिंग एलएचएस टू टेन इनवर्स वन अपॉन टू माइनस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन, इसमें टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, तो क्या फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स, टेन इनवर्स टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको सेम रखेंगे जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा आपका ऊपर तो वन हो जाएगा और नीचे ये बनेगा आपका थ्री अपॉन फोर यानी कि फोर अपॉन थ्री माइनस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन, ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे दोबारा फॉर्मूला आएंगे टेन इनवर्स ए माइनस वाला फॉर्मूला आ रहा है ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, ये हो जाएगा आपका, आप यहां पे एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे
यह आएगा आपका 28 माइनस 3 और ये हो जाएगा 21 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, ऊपर भी 25 आएगा, नीचे भी 25 आएगा, ये बन जाएगा 1 और 1 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो, 5/4 जोड़ कर। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहा है, आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन आपको। तो सबसे पहले LHS ले रहे हैं, LHS कैसे ले रहे हैं, टेन इनवर्स 17/19, टेन इनवर्स 2/3, ठीक है। इसमें आपको टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है, टेन इनवर्स a माइनस बी वाला, तो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये फॉर्मूला हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए टेन इनवर्स तो ये हो जाएगा 51 माइनस 38 अपॉन 57 प्लस 34 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स ये आपका आ जाएगा 3 है ना, चलिए 13 बटे आपका आ जाएगा 21। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/7 आपका। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको प्रूफ करना है तो LHS ले रहा है, सबसे पहले कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5। आप सबसे पहले टेन इनवर्स को कॉस में चेंज करोगे तो 2 टेन इनवर्स का कॉस के लिए फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/25 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1/25 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स, आप इसको सॉल्व करोगे तो 24/26 आएगा, 24/26 आएगा, इसको आप 12/13 लिख सकते हो सॉल्व करके। अच्छा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है फॉर्मूला आप जानते हो, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा देखिए सिंपल सी बात है, कॉस इनवर्स 63 इंटू 12 अपॉन 65 इंटू 30 माइनस, इसको आप इधर ले जाओगे ऊपर तो 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर अपॉन नीचे एलसीएम 65 का स्क्वायर आएगा तो रूट से 12 का 65 हो जाएगा वो, ऐसे सेम इधर करोगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और एलसीएम नीचे क्या आएगा 13 का स्क्वायर यानी 13 हो जाएगा रूट से, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कॉस इनवर्स 63 इंटू 12 अपॉन 65 इंटू 30 माइनस, देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 128 इंटू 2 और इसका आपका आएगा 25 और नीचे आपका एलसीएम चल रहा 63 इंटू 30, ठीक है। एलसीएम नीचे 63 इंटू 30 आ ही जाएगा आपका, एलसीएम जो आएगा वो आपका आ ही जाएगा, नीचे जो ऊपर जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट के अंदर आएगा, ये रूट के अंदर आएगा तो क्या आएगा आपका माइनस,
देखिए 128 को आप जो है लिख सकते हो 64 इंटू टू, और 64 का होगा आपका 8, टू इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 रहेगा तो 2 आ जाएगा उसका, और इसका आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 65 है ये, 65 इंटू 13 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे आप तो आपका जो आंसर है वो सॉल्व करने पर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 63 इंटू 12 जो आप करोगे तो आपका आएगा 756, और इसको जब आप करोगे तो 80 हो जाएगा, एक आपका नॉर्मल सी बात है 80 हो जाएगा, नीचे जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। अब मैं पूरे को डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूं, आपको जब सॉल्व करोगे इसको पूरा तो आपका आएगा 4/5, जब पूरा सॉल्व कर दोगे तो 4/5 आ जाएगा, और जब ट्राइंगल रूल आप लगा दोगे इसमें, क्योंकि आपको आप साइन में कन्वर्ट करना है पूरे को, तो ट्राइंगल रूल लगा दोगे तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना है 4 और ये 5 है, आधार बटे कट होता नहीं होता कॉस थीटा, तो साइन निकालने के लिए क्या करोगे इसमें से, इसको माइनस कर 25 में छोड़े गए तो 9 बचेगा, 9 का यानी कितना हो गया 3 हो गया, तो साइन कितना हो जाएगा आपका, साइन में कन्वर्ट जब करोगे तो इसको साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण आपका ये हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।